केमिकल थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला वाला है यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। ओके, ये देखिए, अगर आपको प्रूव करना है ना कि जेड कोई एग्जैक्ट है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, तो आपको ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर दिया है जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप डिफरेंशिएट, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है ना, आप डिफरेंशिएट करेंगे जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट वाई, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट एक्स। ओके, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसके अलावा आपको ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी पी, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेबा बोलते हैं इसको, डेबा पी बाय डेबा टी एट कॉन्स्टेंट इजिकल्स टू आर बी माइनस बी। ओके, ऐसे देखिए टोटल डिफरेंशियल अगर पूछा, मतलब जेड इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो आप देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जेड को एक्स रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स करेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ठीक है, ये देखिए इंटरनल प्रेशर का फॉर्मूला है, ये है कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू अपॉन वी स्क्वायर वॉल्यूम है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, फिर देखिए आइडियल गैस के लिए कैसे है, पी वी टी अगर आप एक सर्कल में लिखेंगे तो डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इस तरह से देखिए डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब दो वाला जो चाहिए डी में आ रहा है, एक वाला प्रेशर कॉन्स्टेंट में आ रहा है, फिर डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस वन है। ओके, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगा। पाथ फंक्शन सबको पता है, जो पूरे पाथ पर डिपेंड करता है वो होता है वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। इसके अलावा जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रल होता है, जो वो होता है वो जीरो होता है। ओके, अब देखिए ये है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। तो मैक्सवेल्स, ये देखिए मैक्सवेल्स स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें एस यू वी लिखा है, पी जी टी लिखा है, ओके, एच ए लिखा है। आपको देखिए ये पूरा याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें ज़रूर आता है इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, फिर आप देखिए किसी भी इक्वेशन के, जैसे हमने दो लिखा है, देखिए कैसे हुआ है। अब सोचिए अगर हम डी जी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, डी जी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो इसके बगल बगल वाला है उसको डी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, मतलब डी जी इज इक्वल्स टू डी पी और डी टी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और साइन कैसे डिसाइड होगा, देखिए साइन देखिए उसके ऑपोजिट पे बेस डिसाइड होगा। जैसे सोचिए डी जी को हमने लिखा, डी पी लिखा और डी टी लिखा, पी के देखिए इस तरफ कौन है, वी है, तो वी डी पी है, ये अभी साइन ही देख रहे हैं, वी डी पी है, और डी टी के इस तरफ एस है, तो एस जी टी है। अब साइन देखिए, साइन ऑब्वियसली ऑपोजिट डिसाइड करेगा, तो अगर एरो यहाँ से जाता हुआ हो तो माइनस हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ माइनस है, एरो अगर यहाँ पे आता हुआ हो, देखिए जैसे एरो यहाँ पे आता हुआ है, तो ये क्या है, प्लस है, वी प्लस है, ठीक है। वैसे एक लिख के देख लेते हैं, जैसे डी ए है सोचिए, ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे, इसके पास देखिए डी वी डी टी, इसको डी वी लिखेंगे और डी टी लिखेंगे, अभी साइन नहीं लिखा, और डी वी के पास पी है तो पी होगा, डी टी के पास एस है तो एस होगा, ठीक है। साइन हमने कैसे कहा कि अपोजिट के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे देखिए दोनों इस तरफ ही आता हुआ है, कहीं पे एरो आया नहीं है, देखिए एरो अगर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ से एरो लौट रहा है, इस पे एरो नहीं आया, ठीक है, दोनों नेगेटिव होगा, इसका मतलब तो डी ए का जो है ये नेगेटिव है। ओके, इस तरह से लिख देंगे। ओके, और एक देखिए इससे, देखिए ये इससे ये क्वेश्चन भी हमें बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूछ देता है, अब देखिए कैसे करते हैं इसको, मतलब ये क्वेश्चन तो अपने आपको लिखना आ गया, पहले आपने पहले ये क्वेश्चन लिखा, फिर हम क्या करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना, देखिए डी टी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम डी बोल रहे हैं, डी टी, ठीक है, ये वाला डी टी, डी टी अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, मतलब इस वाले को कॉन्स्टेंट रखना है, फिर इधर वाला देखिए माइनस अगर है तो माइनस पे रखेंगे, डी पी बाय डी एस, ये डी पी, इसको डी पी स्क्वायर करेंगे जो पी है, बाय डी एस, और कॉन्स्टेंट इसके बगल वाला होगा, मतलब जिसका पी डी पी है उसके बगल वाला कॉन्स्टेंट का वी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ अ स्टेट, ये इंटरनल प्रेशर जो हमने इस तरफ डिस्कस किया था, जिसका वैल्यू था ऐसे हमने दिखाया था ये अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये वही इंटरनल प्रेशर है, इसका भी आपको देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए पूरा अच्छे से, ठीक है, डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर, ओके, डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ऐसे सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ अ स्टेट कैसे है, ये एच पी होता है, देखिए आपको याद होना चाहिए, ये यू वी है, ये एच पी है, एच पी है माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी। ओके, ये इक्वेशन देखिए आपको याद करना है, ओके, क्योंकि ये आगे भी जूल्स थॉमसन कोफिशियंट में भी ये यूज होता है। ओके, अब देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल स्टेटमेंट है, ओके, ये तो हम स्कूल लेवल से पढ़ के आ रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके, और ये वर्क का फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। तो ऑब्वियसली अगर सोचिए वर्क डन बाय द सिस्टम, सोचिए मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है खुद, तो क्या होगा,
v2 upon v1 इज मोर देन v1 क्योंकि सोचिए सिस्टम आपने लिया कोई वो वर्क कर रहा है मतलब वो सोचिए एक्सपेंड कर रहा है तो v2 वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये एक्सपेंशन में माइनस होगा और उसी तरह से इस तरफ अगर वर्क डन ऑन सिस्टम है वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब हम कॉम्प्रेस करवाएंगे अगर सिस्टम वर्क कर रहा है ना आप इसे सोचिए गैस लिया सर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम अगर इसमें बढ़ेगा तो नेगेटिव ही होगा ना वर्क वही दिखा रहा है और अगर ऑन द सिस्टम है मतलब आप प्रेशर दे रहे हैं आप कुछ काम करवा रहे हैं तो वो क्या होगा ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये वर्क पॉजिटिव होगा वही है बस ये QV = ∆U QP = ∆H ये तो हम जानते ही हैं ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना हीट है टेम्परेचर को रेस करने में और ये कुछ ग्राम अगर दिया है उसके टेम्परेचर को रेस करने में कुछ मोल दिया है अगर तो मोलर हीट कैपेसिटी ये वाला फॉर्मूला भी देखिए तो इंपॉर्टेंट है CP - CV = nR और एक ये CP - CV = T ये PTV VTP है ठीक है बस आपको ये याद रखना है ये कौन सा जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो इस तरफ राइट साइड में था PTV VTP वही चीज़ है कोई इसमें साइन का वो नहीं है आप देख लीजिए फिर देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट ठीक है हम इसे कैसे याद रखें क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में वो हो सकता है हमने एक को याद रखे आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट ओके ये आपको याद रखना है अल्फा अब इसका भी देखिए वैल्यू आपको याद करना है 1 upon V VTP और बीटा इज माइनस देखिए इसमें माइनस VPT और अल्फा अपॉन बीटा PTV ठीक है ये भी आपको याद रखना है ओके अब देखिए जूल्स एक्सपेंशन है ठीक है जूल्स एक्सपेरिमेंट है ओके उसमें देखिए जूल्स कोफिशियंट की वैल्यू और जूल्स थॉमसन कोफिशियंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जूल कोफिशियंट देखिए उसकी वैल्यू क्या है TV एट कॉन्स्टेंट U = -1/CV dU/dV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और ये अगर TP एट कॉन्स्टेंट H हो गया तो -1/CV और CP होता है और ∆H/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाता है ठीक है तो वो होता है जूल्स थॉमसन कोफिशियंट ठीक है अब देखिए जूल थॉमसन कोफिशियंट को अगर हम कैसे मतलब ये क्या किया होगा देखिए इसमें ये इस वाले की वैल्यू पुट करती है ठीक है तो ये होता है 1/CP = 2A/RT - P ठीक है 2A/RB क्या होता है वो होता है हमारा TI का वैल्यू आप देखेंगे आगे लेट्स सी इन्वर्जन टेम्परेचर देखिए हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर होता है -80°C और हीलियम का होता है -240°C और इन्वर्जन टेम्परेचर का देखिए वैल्यू क्या होता है 2A/RB ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बड़ा है ठीक है इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा है दिया है ज़्यादा तो हीटिंग होगा कम है तो कूलिंग होगा अगर इक्वल है तो नाइदर हीटिंग नॉन कूलिंग फिर इक्विपार्टीशन थ्योरम आ गया मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ट्रांसलेशनल का 3 होता है आपको हमेशा याद रखना है लीनियर का कम होता है नॉन लीनियर से लीनियर का 2 होगा और रोटेशनल में नॉन लीनियर का 3 होगा और वाइब्रेशनल में लीनियर का 3N-5 और 3N-6 होगा नॉन लीनियर का वाइब्रेशनल में ठीक है और γ = CP / CV CP - CV = R ये तो आपको पता ही है ठीक है ये देखिए इसका जनरल फॉर्मूला है CVM निकालने का ठीक है कैसे होगा ट्रांसलेशनल सोचिए जितना है उसको R/2 से मल्टीप्लाई करेंगे रोटेशनल को भी R/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पर वाइब्रेशनल को R/2 से मल्टीप्लाई नहीं बस R से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग उससे CV निकाल लेंगे और CV अगर निकाल लिए तो CP - CV = nR है तो उससे CP निकाल लेंगे और अगर CP CV दोनों हो गया तो गामा निकाल लेंगे उससे अब देखिए CV मिक्स का फॉर्मूला देखिए N1CV1 + N2CV2 / N1 + N2 ठीक है अब आइसोथर्मल देखिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है वर्क डन का -NRTLN V2I V1 ठीक है फ्री एक्सपेंशन में -PExternal V2 - V1 ही जीरो हो जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस रिवर्सिबल हाँ एडियाबेटिक का फॉर्मूला भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है TV γ - 1 is K PV γ = K टी देखिए γP1 - γ = K ओके और ये इसका फॉर्मूला है पूरा P2V2 - P1V1 / γ - 1 γ मतलब ये कौन सा गामा है ये गामा है CP / CV वाला और ऐसे ही W = nR T2 - T1 γ - 1 ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ओके ये भी इससे भी देखिए आप निकाल सकते हैं एडियाबेटिक के लिए W = nCVm T2 - T1 ये तो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है मतलब 12th तक पढ़ा है ओके अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर सोचिए कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस को कंपेयर करना है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हमेशा वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ज़्यादा होगा एडियाबेटिक से ओके फिर एक किचॉफ्स इक्वेशन आता है ओके किचॉफ्स इक्वेशन देखिए ∆H2 - ∆H1 = ∆CP T2 - T1 ओके ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ∆E2 - ∆E1 = ∆CV
t2 minus t1. ओके, और इसका कैसे करते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्ट का जो चेंज है माइनस टोटल प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो चेंज है वही निकालते हैं इसे. ओके, ये इंटरनल एनर्जी है, ये एंथैल्पी है. अब देखिए इसके बाद हम एक और वीडियो में बाकी कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. ये जस्ट जनरल फॉर्मूला था, हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके. थैंक यू.